क्रिमिनल है हमारा बेटा। रणबीर कपूर की एनिमल ने थिएटर्स में आग लगा रखी और जो इसे एक नॉर्मल एक्शन फिल्म सोचकर देखने गया था वो बस ये कहता हुआ बाहर निकल रहा है। जो लोग संदीप रेड्डी वांगा को दो फिल्मों वाला नया खिलाड़ी समझ रहे थे उनके लिए वांगा साहब का ये मैसेज है। क्यों हिला डाला ना? अरे हिला तो बॉक्स ऑफिस को दिया है क्योंकि इस टाइम जो सुनामी आई हुई है बॉक्स ऑफिस पर, एनिमल ने सीधा इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स की लिस्ट में अपनी एंट्री करा ली है। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि अगर एनिमल सैम बहादुर के साथ क्लैश नहीं करती और इसको ए सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आई एम श्योर कि ये जवान का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती थी। बात तो सही है। और अभी तो ये नंबर्स और बढ़ेंगे क्योंकि अभी तो एनिमल को लेकर जरा कंट्रोवर्सी शुरू ही हुई है। याद है ना कबीर सिंह वाला टाइम एंड पठान की कंट्रोवर्सीज, जिसकी वजह से फिल्म की हाई और फिल्म का कलेक्शन दोनों ही बढ़ गए थे। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या एनिमल जवान की लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर पाएगी? मुझे कमेंट करके बताएं। और अभी तक क्या चल रहा है एनिमल का बॉक्स ऑफिस पर हाल, दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। आज के बाद एक खरोच भी आई है, दुनिया चला दूंगा पापा। दी नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड आफ्टर खान इज रणबीर कपूर, और ये अब हर कोई कह रहा है क्योंकि रणबीर कपूर ने अपनी एक्टिंग से ये ना प्रूव कर दिया है। आई मीन जितने शेड्स हो सकते थे एक कैरेक्टर के एंड जितनी वेरिएशन वो दिखा सकते थे एक फिल्म में वो उन्होंने दिखा दिया है। ए सर्टिफिकेट 3 घंटे से ज्यादा का रन टाइम, क्लैश विद अनदर फिल्म, नॉन हॉलीडे एंड नॉन फेस्टिवल रिलीज, नो सुपरस्टार कैमियोस, नॉन फ्रेंचाइजी, और इन सब के बाद भी एनिमल ने अपने ओपनिंग डे पर 116 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है जिसमें से 63.80 करोड़ का कलेक्शन इंडिया से किया है। एंड डे टू पर ही ये नंबर्स और ज्यादा बढ़े हैं। एंड डे टू पर ही एनिमल ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली है एट इंडियन बॉक्स ऑफिस। टोटल कलेक्शन 131.07 करोड़। डे थ्री पर सीधा 200 करोड़ के पार, टोटल कलेक्शन 201.76 करोड़ इन इंडिया। एंड विद दैट एनिमल ने शाहरुख खान की पठान को भी पीछे छोड़ दिया है और अब जवान के बाद सेकंड नंबर पर एनिमल ने अपनी जगह बना ली है। मैं वादा करता हूँ अपने हाथ से गला काटूंगा। अगर फर्स्ट 3 डेज का कलेक्शन देखें पठान वर्सेस जवान वर्सेस एनिमल के हिंदी वर्जन में तो जवान ने अपने पहले 3 दिनों में 180.45 करोड़ का कलेक्शन किया था जबकि एनिमल ने 176.58 करोड़ का कलेक्शन किया है एंड पठान ने 161 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड दैट इज वाई मैंने शुरू में ही ये इसलिए बोला था कि अगर ए सर्टिफिकेट एंड ये क्लैश नहीं होता तो शायद ये एनिमल जवान का रिकॉर्ड भी आसानी से तोड़ देती। ऑल्सो जवान के साथ तो हाई प्लस SRK फैक्टर एंड साउथ स्टार्स का दोनों का फायदा था। वेल ये तो था एनिमल का फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन। वैसे आपको क्या लगता है कि ये एनिमल बॉक्स ऑफिस पर कहां जाकर रुकेगा? आई मीन टोटल कलेक्शन कितना कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर एनिमल, मुझे कमेंट करके बताएं। एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram, मेरा Instagram हैंडल है व्हाट्सअप साक्षी। प्लीज आई कैन शेयर दिस वीडियो। आप देख रहे थे अनकट।